नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे 5 मिनट में 25 खबरों की। कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। शाम को 4 बजे यह बैठक होगी। देश में लगातार कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों में गिरावट जारी है। 24 घंटे में 16,311 संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए। वहीं संक्रमण से 161 मौतें हुई। उत्तर प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के आखिरी ड्राई रन के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निगरानी करेंगे। यूपी के सभी जनपद में 1500 टीकाकरण केंद्र और 3000 बूथ बनाए गए। बिहार में कोरोना की वैक्सीन 14 जनवरी से पहले पहुंच जाएगी। बिहार पहुंचने के बाद इसे 15 जनवरी तक अलग अलग जिलों में पहुंचा दिया जाएगा, ताकि 16 जनवरी को पूरे प्रदेश में एक साथ वैक्सीनेशन का काम शुरू हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई। अदालत ने कहा है कि आंदोलन में किसानों की जान जा रही है, ऐसे में सरकार अभी इन कानूनों पर रोक लगाए या फिर अदालत के आदेश जारी किए जाएं। उत्तर प्रदेश के कानपुर चिड़ियाघर में मरे पक्षियों के सैंपल पॉजिटिव आने से लखनऊ तक हड़कंप। इसके अलावा दिल्ली और महाराष्ट्र में भी पुष्टि हुई। अमेठी में पुलिस और बदमाशों के बीच हुए एनकाउंटर में 2 इनामी बदमाश सहित 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। एनकाउंटर में बदमाश और सिपाही भी घायल हो गए हैं। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया। आगे की कार्रवाई शुरू की। राजस्थान के जैसलमेर में सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तानी जासूस को किया गिरफ्तार, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसी जासूस से पूछताछ में जुटी। ISI की हनी ट्रैपिंग में फंसे इस व्यक्ति का नाम सत्यनारायण है। यह व्यक्ति इस इलाके का सरपंच भी रह चुका है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ गया है। यहां देर रात नशे में धुत कुछ लोगों ने ढाबे में आग लगा दी। ढाबे वाले शख्स की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसे नशे में धुत लोगों को चिकन देने से मना कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ग्रेटर नोएडा में एक 14 साल की नाबालिग के साथ पड़ोस के युवक ने दुष्कर्म किया। परिवार वालों के मुताबिक युवक ने तमंचे की बल पर किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद सभी लोगों ने मिलकर आरोपी को दबोच लिया, पुलिस के हवाले किया। दिल्ली के द्वारका इलाके में ऐप के जरिए तुरंत कर्ज पाने के मकर जाल में फंसकर हरीश नाम के एक युवक ने आत्महत्या कर ली। हरीश की उम्र 25 साल थी। जानकारी के मुताबिक उसने ऐप से मामूली रकम उधार ली थी, लेकिन कुछ रकम बची हुई थी। इसको लेकर हरीश पर दबाव बनाया जा रहा था, जिसके बाद पंखे में फंदा लगाकर उसने आत्महत्या की। वाराणसी में छिड़कानी के आरोप में बीजेपी के एक पूर्व विधायक को लोगों ने पीटा और कान पकड़कर माफी मंगवाई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। राजस्थान के जोधपुर में एक युवक ने सगाई के बाद अपनी मंगेतर से शारीरिक संबंध बनाए और उसके बाद शादी से इनकार कर दिया। इस मामले में युवती ने आरोपी पर केस दर्ज करवा दिया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मुंबई में भारतीय नौसेना के एक नाविक ने आत्महत्या कर ली। शख्स ने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली। जहाज पर उसकी लाश मिली है। बगल में उसकी सर्विस राइफल भी रखी हुई थी। पुलिस जांच कर रही है। दिल्ली के द्वारका इलाके में एक घर में नौकरानी की संदिग्ध हालत में मौत होने के बाद लोगों ने सड़क पर उसके शव को रखकर काफी देर तक जाम लगाया। फिलहाल पुलिस का कहना है कि नौकरानी ने सुसाइड किया है, जबकि लोगों का कहना है कि उसकी हत्या की गई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शातिर चोर को किया गिरफ्तार। शख्स के पास से महंगे कपड़े, महंगी गाड़ियां बरामद की गई है। गरीबों का मसीहा बनने के लिए वह चोरी के पैसों से स्वास्थ्य कैंप लगवाता था। दिल्ली पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। दरअसल शख्स ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए अपने पिता के मकान को गिरवी रखकर 2 करोड़ का लोन ले लिया। पुलिस ने आरोपी और उसकी पत्नी को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया। गोरखपुर जिले में रुपए के लालच में छोटे भाई ने बड़े भाई की कुल्हाड़ी से गला काटकर की हत्या। बताया जा रहा है कि नशे की हालत में दोनों भाई बेचे गए खेत के रुपए का बंटवारा कर रहे थे। इसी दौरान विवाद हो गया। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। गोरखपुर जिले में जमीन के विवाद में भतीजे ने चाचा की पीट कर हत्या कर दी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक दोनों सगे भाइयों में लंबे समय से जमीन के लिए विवाद चला आ रहा है। उधर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। जालौन में बेखौफ चोरों ने धावा बोला। 3 घरों को निशाना बनाकर 3 लाख से ज्यादा का माल समेट ले गए, जबकि 4 अन्य घरों के लोग जाग जाने से वो दरवाजा बंद करके भाग निकले। पुलिस जांच में जुटी। और वहीं मेरठ में एक युवक ने प्रेमिका की गला रेत कर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी थाने पहुंच गया। उसने पुलिस को मामले की जानकारी दी। बताया जाता है कि प्रेमिका का किसी अन्य युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, इससे नाराज होकर उसने वारदात को दिया अंजाम। बदायूं में 4 साल की एक मासूम बच्ची के साथ शराब के नशे में शख्स ने किया दुष्कर्म, जिसके बाद पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार कर लिया। आगे की कार्रवाई शुरू की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में खेला गया 3रा टेस्ट ड्रॉ रहा। इस मैच को ड्रॉ कराने में आर अश्विन और हनुमा विहारी का बड़ा योगदान रहा। ऋषभ पंत को दूसरी पारी में नंबर 5 पर बल्लेबाजी के लिए प्रमोट किया गया। खराब फॉर्म से जूझ रहे हनुमा विहारी की जगह ऋषभ पंत को पहले बैटिंग दी गई। ऋषभ पंत ने खुलकर बल्लेबाजी की और ताबड़तोड़ अंदाज में 97 रन जड़ दिए। अनुष्का शर्मा ब्लैक आउटफिट में नजर आई हैं। उनके पति विराट कोहली के साथ वो क्लिनिक जाते हुए देखी गई। अदाकारा अपने चेकअप के लिए इस ब्लैक कलर की ड्रेस पहनकर क्लिनिक पहुंची थी। फिलहाल 5 मिनट 25 खबरों में सिर्फ इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।